बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है मशीनरी अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जहां पर आपको मशीनरी अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों मेंटेन करने होते हैं। तो ऐसे में मशीनरी परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द करंट ईयर जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग में जाना चाहिए उसको निकालने के लिए एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं अपने इस एग्जांपल पे आता हूं जो मैंने दे रखा है। आपको मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख दे रखा है, क्लोजिंग 8 लाख दे रखा है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1,90,000 दे रखा है और क्लोजिंग 2,40,000 दे रखा है। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,00,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹40,000 was sold at a loss of 20% of the book value. Find out the cash flow from investing activities. Question में तो सिर्फ cash flow from investing मांगा गया है, ठीक है बच्चों? तो अगर हम अपने इस question में सिर्फ machinery account भी बना लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, but मैं आप लोगों को accumulated depreciation account भी बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर complete cash flow statement आता है बनाने को, तो वहाँ पर आपको depreciation charge during the year निकालने की जरूरत पड़ेगी और जिसको operating activity में show किया जाता है, ठीक है बच्चों? तो क्लियर इंफॉर्मेशन। यहां पर मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जिस मशीन को बेचा उसकी कॉस्ट है 1,00,000, ठीक है बच्चों, और उस पे जो अब तक डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया था वो था 40,000, यानी कि उस मशीन पे अब तक उसके खरीदने से लेके बेचने तक का जो डेप्रिसिएशन है वो 40,000 है, ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो ₹60,000 निकल कर आएगी, क्योंकि कोई भी गेन या लॉस जो निकाला जाता है ऑन द सेल ऑफ मशीनरी वो उसकी बुक वैल्यू पे निकाला जाता है ना कि उसकी कॉस्ट पे। तो बुक वैल्यू पे जाने के लिए हम मशीनरी की कॉस्ट में से मशीनरी का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो कि 1,00,000 कॉस्ट थी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 था, तो इस तरह से 60,000 उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों? फिर हम बनाएंगे अपना मशीनरी अकाउंट जिसमें 5,00,000 ओपनिंग बैलेंस यहां लिख देंगे, बाय बैंक करके मशीनरी की सेल आएगी वो मैं बताऊंगा कितनी आएगी, बाय लॉस ऑन सेल, और क्योंकि हम मशीन के साथ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं तो जो एसेट बेची गई उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां लिखा जाएगा, यहां उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी मशीन की जो कि 8,00,000 दे रखी है और accumulated depreciation उसका 40 था, book value 60 है, 20% loss पे बेचा है, तो 60 का 20% 12,000 होता है, वो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब आपने 48,000 का उसको बेचा है, 8,00,000 plus 1,00,000 ये सब जोड़ के देख लीजिए ये 1,00,000 आएगा, तो that is 9,00,000 minus 5,00,000 that is 4,00,000, तो इससे आपका जो balancing figure है वो निकल आया, that is purchase of machinery जो कि आई 4,00,000। इस तरह से ये मशीनरी अकाउंट बनाया गया है बच्चों। ध्यान रखिएगा मशीनरी अकाउंट में अगर आप मशीनरी अकाउंट को एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ मेंटेन कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है दैट आप मशीन को उसकी कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ओपनिंग कॉस्ट थी, ये क्लोजिंग कॉस्ट थी, ये सब मिलाकर बेचे हुए मशीनरी कॉस्ट आ जाएगी, जो डिफरेंस है वो आपका कॉस्ट ऑफ द मशीनरी परचेज आ गई। क्लियर बच्चों? इतनी चीज क्लियर हो गई। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि अगर आपको बिना अकाउंट बनाए मशीनरी परचेज निकालनी है तो क्लोजिंग कॉस्ट में बेचे हुए मशीनरी कॉस्ट को प्लस कर दीजिए और ओपनिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, आपकी परचेज डायरेक्ट निकल आएगी। जैसे कि 8,00,000 था क्लोजिंग कॉस्ट, बेचे हुए मशीनरी कॉस्ट थी 1,00,000, तो 8,00,000 और 1,00,000 हो गया 9,00,000, 9,00,000 में से 5,00,000 माइनस करेंगे तो भी 4,00,000 आ गया। क्लियर बच्चों? बट अकाउंट बनाकर दिखाना है तो ये तरीका है, शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं बना रहा हूं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें केवल परचेज सेल ही जाना है, डेप्रिसिएशन नहीं जाना। मगर क्योंकि अगर आप पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन करेंगे या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग करेंगे तो वहां पर आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया ड्यूरिंग द ईयर वो पता होना चाहिए। Accumulated depreciation account का opening balance जो होता है वो credit side लिखा जाता है और closing balance जो है वो debit side लिखा जाता है।
जो एसेट बेची गई उसके डेप्रिसिएशन को हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से उसके एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जो कि था 40,000। इसका ओपनिंग था 1,90,000, क्लोजिंग था 2,40,000। तो आप खुद समझ जाइए डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर कितना है, उसको आप बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये आएगा 90,000 जो बैलेंसिंग फिगर है आपका। और अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाई जाती है तो उसमें ये 90,000 ही जाएगा एज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जिसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस कर देंगे, सो एज टू गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर बच्चों? यहां पे मैं आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में जो मांगा गया था वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मांगा गया था। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी लेंगे माइनस में, क्योंकि जब आप मशीनरी परचेज करोगे तो आपका पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो आप माइनस करेंगे 4 लाख। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी प्लस करेंगे जो कि आया था 48,000 प्लस का आइटम है ये, ठीक है, क्योंकि सेल करने से पैसा आता है। और कितना पैसा आया? 48,000। 4 लाख में से 48 माइनस कर दीजिए, 3,32,000 आपका नेगेटिव आंसर आया, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैश यूज्ड हुआ है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेनली इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताने जा रहा हूं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि हम मशीनरी अकाउंट बनाए बिना भी कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज निकाल सकते हैं, मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड की को क्लोजिंग कॉस्ट में प्लस कर दीजिए और इसमें से ओपनिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज आ जाएगा। तो इन शॉर्ट भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। अगर आपका टाइम कम बच रहा है मगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपना कंप्लीट करना है, मगर आप नहीं चाहते कि अकाउंट बनाने में टाइम इन्वेस्ट करना है, तो आप इस इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? ऐसे ही बिना एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए आप डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्लोजिंग एक्युमुलेटेड डेट में एक्युमुलेटेड डेट ऑफ सोल्ड मशीनरी प्लस कर दीजिए और ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेट माइनस कर दीजिए, तो भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। क्लोजिंग एक्युमुलेटेड डेट 240 था, एक्युमुलेटेड डेट ऑफ द सोल्ड एसेट 40,000 था और ओपनिंग जो था 1,90,000 था। 240 प्लस 40 280, 280 माइनस 190 इज 90,000। ठीक है बच्चों, तो इससे भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकल आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसे और भी एग्जांपल आपको सिखाता रहूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको अपने स्टर्म 2 की प्रिपरेशन में, कैश फ्लो की प्रिपरेशन में दिक्कत ना आए। थैंक यू बच्चों।